जी आगे है जी एमसीक्यू नंबर 58 रिगार्डिंग ब्रोंको प्लमनरी सेगमेंट्स दे आर एरेटेड बाय, तो इनको एरेट कौन करता है, इनको टर्शरी ब्रोंकियोल्स एरेट करते हैं। नेलक्सॉन इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मॉर्फिन पॉइजनिंग जो होती है उसमें नेलक्सॉन को यूज़ करते हैं। एन एडल्ट मेल कम्स टू यू विद हाइपर टेंशन रेडियो फेमोरल पल्स डिले द लाइकली डायग्नोसिस इज, तो इसका आप लोगों ने निमोनिक याद रखना है डिले पोस्ट, सही है। तो जिसमें हाइपर टेंशन और रेडियो फेमोरल डिले हो तो उसमें पोस्ट डक्टल कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा था, रेडियो फेमोरल डिले में जो होता है वो पोस्ट डक्टल कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा होता है। चाइल्ड विन मशीनरी लाइक मरमर, तो मशीनरी कंटिन्यूस मशीनरी मरमर जो होता है वो पीडीए में होता है, पेडेंट डक्टस आर्टरियोसिस में, ठीक है। और बाकी इसका निमोनिक मैंने आप सबको याद कर, तेरे मेरे आसपास पास 10 मसार पर, बाकी सब में जो जो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मरमर्स। रिगार्डिंग द ब्रोंकियल अस्थमा द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग मिल बी, तो उसमें FEV1 और FVC जो होती है वो लेस देन 75% होती है। राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होते हैं उसे कॉज कौन करता है, तो राइट में हर चीज़ रेज्ड होगी, रेज्ड एच प्लस, रेज्ड एच प्लस का मतलब क्या है, डिक्रीज पीएच, तो डिक्रीज पीएच इज द राइट ऑप्शन। बाकी रेज टेम्परेचर, रेज 2-3 BPG, सारा कुछ रेज्ड होगा, आर से रेज्ड, आर से राइट, सही है। डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट ओपीडी विद ओजिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम वाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट, तो ग्रीनिश डिस्चार्ज, सबस डिस्चार्ज, सूडोमोनास, सबस सूडोमोनास। एमसीक्यू नंबर है जी 65 साइटोकैरेटिन। साइटोकैरेटिन जो होता है, साइटोकैरेटिन इज एन इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड इन सेल्स बट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो साइटोकैरेटिन जो होता है वो नियोप्लेशिया के डिटेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्टिस ऑन मेडिकल एथिक्स क्या होता है कि इक्विटीन प्रोवाइडिंग मेडिकल रिसोर्सेज टू ऑल पेशेंट्स इक्वली, सबको बराबरी के हकूक देने हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है, नोड्यूलर होती है। 68 एमसीक्यू है जी अ यंग बॉय हैविंग मैस इन नेक, बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड शोज ई फेसेस आर्किटेक्चर एटिपिकल मोनोन्यूक्लियोसिस, CD15 एंड 13 पॉजिटिव है, तो डायग्नोसिस क्या होगा, CD15 और 13 पॉजिटिव जो है हॉजकिन लिम्फोमा में होता है। पर्सन वर्किंग इन शिप इंडस्ट्री एस्बेस्टोस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एस्बेस्टोस जो होता है वो ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होता है, अगर प्लूरल ट्रैक्स वगैरह आए तो उसमें मेसोथेलियोमा वगैरह होता है। 70 ईयर ओल्ड नॉन स्मोकर प्रेजेंटेड विद पेनलेस इमेचोरियम, नॉन स्मोकर है ना, यूरोथेलियल कार्सिनोमा, व्हाट इज द रिस्क ऑफ सीए ब्लेडर, तो सीए ब्लेडर का रिस्क क्या होगा, एनिलिन डाई होगा। उसके बाद आ गया जी द कॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा एंड CCF, तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जितनी भी हार्ट की कंडीशन है उसमें एडिमा जो डेवलप होता है वो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से होता है, चाहे MI हो चाहे CCF हो वट एवर इट इज, और किडनी वाली जो होती है उसमें ऑनकॉटिक प्रेशर का रोल होता है। डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ, तो लिम्फेटिक फ्लो इंक्रीज कब करेगा, जब प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, जब प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर इंक्रीज करता है ना तो ऑनको जो प्रोटीन्स होती हैं वो एज ए स्पंज एक्ट करती हैं, तो वो लिम्फ फ्लो को जो है वो कम कर देंगी, वो खुद फ्लो को लेना शुरू हो जाएंगी, सही है, अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे। वीनस रिटर्न डिक्रीज इन, तो स्केल्टल मसल पैरालिसिस में वीनस रिटर्न डिक्रीज करता है, क्योंकि जब स्केल्टल मसल पंप करता है लेग में तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वॉल्व ओपन हो जाते हैं वेन्स वेन्स ऑफ लेग में, तो जब वो वॉल्व ओपन हो जाते हैं तो वो ब्लड जो है उसको पुश करते हैं हार्ट को, और अगर स्केल्टल मसल का पैरालिसिस हो जाए सो वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज होगी। 74 MCQ है 45 ईयर ओल्ड फीमेल विद ज्वाइंट पेन प्रेजेंटिंग विद मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग रूमा, मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो रूमाटॉइड आर्थराइटिस में होती है। एक्शन ऑफ PTH इज, तो पैराथायराइड हार्मोन का एक्शन क्या होता है कि वो कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन को किडनी में ज्यादा करवाता है। 76 MCQ कार्डियक आउटपुट ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज व्हाट परसेंटेज, कार्डियक आउटपुट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, तो जितना राइट पे होगा उतना ही 100%, व्हाट परसेंट, 100% इक्वल। ग्रोथ हार्मोन इज इंक्रीज्ड बाय, तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज कैसे होता है, तो इसका ग्रोथ मुर्गी की ग्रोथ इंक्रीज करेंगे स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसका निमोनिक है NHEN, हाइपोग्लाइसीमिया इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज इज ग्रेटर देन नॉन रेम स्लीप, तो आपने देखना है कि इधर हाइपोग्लाइसीमिया दिया तो वो ठीक है। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन सीन इन, तो पेरिफेरल वेजोडाइलेशन अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन जो होती है वो सेप्टिक शॉक में होती है। 79 MCQ है वुमन केम विद फीवर BP 80/60 ग्राम नेगेटिव रॉड्स वर आइडेंटिफाइड शी गोज इनटू शॉक, तो मैकेनिज्म शॉक क्या होगा, फीवर है, ग्राम नेगेटिव रॉड यानी बैक्टीरिया आ गया, तो उसमें जो है वो सेप्सिस ही होगा ना, इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक होगा। 22 ईयर ओल्ड सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट डेवलप्स ए रेड फेस आफ्टर बीइंग आस्क्ड अ क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस वास्कुलर रिएक्शन, तो जरी उसका मुंह जो है वो लाल हो जाता है जब उससे जो है क्वेश्चन किया जाता है, तो ये एक्टिव हाइपरीमिया है, एक्टिव हाइपरीमिया, एक्टिवली उसने जवाब देना था, एक्टिव हाइपरीमिया। 81 MCQ है पेशेंट विद डिक्रीज न्यूट्रोफिल इंक्रीज लिम्फोसाइट्स इंक्रीज इयोसिनोफिल्स इंक्रीज ऐसी है, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, तो इसमें एडिसन्स डिजीज होगी। अब कैसे याद रखना है, एडिसन के एंड पे एन आता है ना, सबसे एंड पे एन आता है ना, तो न्यूट्रोफिल्स लो होंगे बाकी सारे सेल्स इंक्रीज होंगे, न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज होंगे, एन एंड पे आता है ना एडिसन में, तो बाकी सारे लिम्फोसाइट्स इयोसिनोफिल्स हर चीज रेज्ड होगी। लेटेक्स ग्लव्स हैव एलर्जी बाय, तो लेटेक्स ग्लव्स की जो एलर्जी होती है वो पोलीस्पोरिन की वजह से होती है। जाइंट सेल इन टीबी आर कंपोज्ड ऑफ, तो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं उनमें, मैक्रोफेजेस कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैक्रोफेजेस जो है वो फेगोसाइटोसिस करवाते हैं।
इयोसिनोफिल्स इन एपोप्टोटिक सेल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए की वजह से इयोसिनोफिलिया होता है एपोप्टोटिक सेल में। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में जेनेटिक डिफेक्ट किस क्रोमोसोम पे होता है, तो अडल्ट में जो है अडल्ट एज क्या है 16 है, तो 16 क्रोमोसोम जो है उसमें डिफेक्ट होगा। थायसाइड डायूरेटिक कॉज 87 MCQ, थायसाइड डायूरेटिक कॉज हाइपरटेंशन बाय, तो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करके ये हाइपरटेंशन कॉज करता है।